नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो प्यारे बच्चों, चाहे आप टेंथ के हो चाहे ट्वेल्थ के, टर्म फर्स्ट और टर्म टू के लेके काफी कंफ्यूजन रहता है कि टर्म फर्स्ट के कितने नंबर मिलेंगे, टर्म सेकंड कितने नंबर मिलेंगे। फिलहाल यही स्टार्टिंग से बनाया गया है, टर्म फर्स्ट और सेकंड को 50-50% में डिवाइड कर दिया जाएगा। जितने आपके नंबर मिले हैं 50% वहां से उठाए जाएंगे, 50% टर्म टू से उठाए जाएंगे और दोनों को मिला के आपके मार्क्स बना दिए जाएंगे, दोनों मिला के आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं इस न्यूज में अभी क्या बताने की कोशिश करें। सीबीएसई टर्म फर्स्ट के बेटे से बड़ा फैसला, टर्म फर्स्ट में 30%, जो कि अच्छी बात है, टर्म टू के लिए 70% वेटेज है, जहां देख सकते हैं आपके, ठीक है। थोड़ा सा क्या है और नीचे, और ये न्यूज देख सकते हैं 23 मार्च 2022 की ही है, ठीक है। सीबीएसई क्लास 12th और 10th दोनों के लिए ही है, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म फर्स्ट वेटेज है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कक्षा टर्म फर्स्ट परिणाम 2021 घोषित कर दिया गया है। टर्म फर्स्ट का वेटेज और टर्म टू के वेटेज के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। आधिकारिक नोटिस cbse.gov.in पर आप देख सकते हैं। बाकी चीजें और पढ़ते हैं यहाँ पे, और कुछ क्या खास है तो यहाँ पे देखो चीज क्या है। तो 50-50% का वेटेज की बात हो रही थी, लेकिन बच्चे चाहते क्या है, 30 और 70 वेटेज चाहते हैं छात्र। तो ज्यादातर क्या होता है, छात्रों की बात सीबीएसई ज्यादातर मान ही लेती है। सीबीएसई द्वारा 12वीं टर्म फर्स्ट रिजल्ट घोषित होने के बाद टर्म फर्स्ट और टर्म टू के अंकों के वेटेज पर स्पष्टता नहीं दिख रही है। सीबीएसई टर्म फर्स्ट के परिणाम से निराश छात्रों ने सीबीएसई टर्म टू परीक्षा 2022 की तुलना में टर्म फर्स्ट के परिणाम को कम करने की मांग की है। छात्र अभिभावक से संबंधित स्कूल को मोटे तौर पर टर्म फर्स्ट और टर्म टू के लिए 30 और 70 का वेटेज चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपको 50-50% के रेशियो में ही चल रहा था, जैसे कि आप देखो नीचे वाले अप्लाई में देख सकते हैं। ऐसे में छात्रों का एक वर्ग दोनों परीक्षाओं के लेकर 50-50 वेटेज पर, ठीक है, उनका ध्यान कि 50-50 पर ही जो मार्क्स लग रहे हैं वो लग सकते हैं, वेटेज दिए जाने का लेकर शंकित होना चाहिए, ठीक है। टर्म टू परीक्षा के बाद फाइनल स्कोर जो आ चुके हैं, टर्म मतलब 10वीं के भी 12वीं के भी, और सभी बच्चों को डाउट यही है कहीं 50-50 का वेटेज ले लेंगे तो उनका तो फर्स्ट टर्म बहुत ही बुरा चला गया, ठीक है। कभी ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, और जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा दिया, कई बच्चों को तो अच्छा नहीं गया, कई बच्चे गांव में थे, कई बच्चे आगे पीछे कोरोना की वजह से हो रहा था। लेकिन अब बच्चों की यही मांग है कि जो आपकी वेटेज है, कि जो फर्स्ट टर्म की वेटेज है उसको कम से कम 30% माना जाए, ठीक है, और जो टर्म टू जब होने वाले हैं अप्रैल में उसका 70% वेटेज लिया जाए, और जो कि अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी प्यारे बच्चों, कि आपको जो आपके आने वाले पेपर है आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, टर्म फर्स्ट तो आप दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन टर्म टू जो पेपर होने वाले हैं उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है सीबीएसई यही निर्णय ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 30 और 70% के वेटेज को अगर लेती है तो अच्छी बात, और छात्र और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं यार। और दिक्कत क्या है, जब मेहनत वाला करने वाला बच्चा कह ही रहा है कि मैं आगे अच्छे से पढ़ लूंगा, जो छूट गया सो छूट गया, ठीक है। तो उम्मीद है यही होगा, आगे देखते हैं बाकी सीबीएसई का क्या मूड रहता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद भारत।